अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड सेक्शन। मैं वलीद इस्लाम आप लोगों की खिदमत में एक और ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड के साथ हाज़िर हूँ। और स्ट्रीट फूड की तलाश में आज मैं आ गया हूँ नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी मेन हैदरी में। डॉलमेन मॉल के बिल्कुल पीछे एक बहुत ही फेमस दाल चावल है कराची के, जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, टॉप ट्रेंडिंग में। काफ़ी सारे लोग इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं और पसंद कर रहे हैं इनके 52 फूड्स की थाली को। और अदनान भाई हैं यहाँ के मैनेजर, जिनसे मैंने बात की और ज़्यादातर वीडियो शूट की, इन्होंने कहा बनाएं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उम्मीद है कि वीडियो भी अच्छी बनेगी। इसी तरह से आज हम कराची के बेस्ट दाल चावल ट्राई करेंगे, 52 फूड्स दाल चावल की थाली, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कबाब, चिकन स्टेक, इनका अचार। और सबसे यूनिक बात इनकी ये है कि दाल में ये मक्खन डाल के देते हैं, मखनी दाल है, बहुत ही टेस्टी इनकी दाल चावल है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, चल के ट्राई करते हैं और आपके लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हमारी पसंद आ रही होंगी, जो भी हम स्ट्रीट फूड से रिलेटेड बना रहे हैं। अगर आप अपनी पसंद की वीडियो बनवाना चाहते हैं कि हम जाएँ और जहाँ वहाँ जाके कोई ऐसा स्ट्रीट फूड ट्राई करें जो आप लोगों को पसंद हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अदनान भाई से पूछते हैं कि उनके दाल चावल में ऐसा ख़ास क्या है और वो बनाएंगे भी अपनी पूरी हमारी दाल चावल की थाली और फिर हम लोग आप लोगों के साथ खा के अपना रिव्यू शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। तो ये शाकिर भाई हैं हमारे, ये हमारी थाली बनाएंगे दाल चावल की। शाकिर भाई सबसे पहले क्या दाल है, चावल? चावल भाई, ये चावल आपके तड़के वाले? जी हाँ। ठीक है, जीरा प्याज का बघार। जीरा प्याज के बघार में, और ये इनकी दाल है स्पेशल, ये प्याले में दाल रखेंगे, स्पेशल थाली बन रही है हमारी। और ये इन्होंने दाल एक प्याले में डाल दी है अच्छी सी, इस पर भी तड़का लगा हुआ है कड़ी पत्ते का। और अब जो इनकी चीज़ें हैं जितनी भी रोगनियात ये वो डालेंगे। सबसे पहले चिकन स्टिक इन्होंने डाली, ये कबाब है और ये चिलोस, ये मिर्चों के बने हुए, और ये प्याज, ये अचार है, ये भी इनका हैंडमेड अचार है, हाथ से बना हुआ है, ख़ुद बनाते हैं आप लोग, ये खुद बनाते हैं ये लोग ये अचार भी। और ये पापड़ी, ये देखें स्पेशल थाली है ये। और अब ये है स्पेशल गेम, इसमें ये अब मक्खन डालेंगे दाल में, जिससे इनकी दाल ये मखनी तड़के वाली हो जाएगी। और एंड में रायता, ये इनकी स्पेशल थाली है। सो वी आर बैक विद द रिव्यू सेक्शन। हम लोग 52 फूड्स की थाली ट्राई करने के लिए आए थे हैदरी में और बहुत अच्छी थाली लग रही है आ चुकी है हमारे पास। मैं पहले आपको बता दूँ इसमें क्या क्या है। इनकी ये स्पेशल दाल मखनी है इस थाली में, सलाद में प्याज है हमारे पास, इनके ये चिलोज़ हैं जो मिर्चों के बने होते हैं, इसमें आलू की स्टफिंग होती है, चिकन स्टिक है, कबाब है, चावल हैं, रायता, अचार और ये पापड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। और बिस्मिल्लाह करके ट्राई करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। रायतों को मैं पहले थोड़ा साइड में रख दूँ और बिस्मिल्लाह करके एक बाइट बना लूँ, कबाब भी साइड में हो जाए। तो चलिए दाल, सबसे पहले इनकी दाल, जो दाल मखनी है ये देखें कितनी थिक है, ये ट्राई कर लें सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके। चावलों के ऊपर अच्छे से डाल लिया, साथ में थोड़ी मैं इनकी पापड़ी लूँगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम लेके ट्राई करते हैं कि कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी रिच दाल है इनकी, क्योंकि इसमें मक्खन है तो इसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इनकी दाल का। खैर, दाल के साथ साथ चावल भी बहुत अच्छे हैं, जो कि बाहरे चावल हैं, सादे चावल नहीं हैं। सो इस वजह से आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ, ये अच्छे खिले हुए चावल हैं, बहुत ही टेस्टी दाल चावल हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन काफ़ी सारी इनकी चीज़ें हैं जो मैं अभी ट्राई करना चाहता भी हूँ और करूँगा भी। ये इनका स्टफ चिलो मिर्चें हैं, उसमें स्टफिंग हुई हुई आलू की, ये देखिए आप। सो ये कुछ यूनिक चीज़ है, इससे पहले मैंने आलू की स्टफिंग में मिर्चें नहीं खाई। सो इनकी दाल ली, चिलोस लिए, थोड़ी सी पापड़ी ली और बिस्मिल्लाह करा, अपना सेकंड बाइट लिया, देखते हैं ये कैसा है टेस्ट में। चिलोस काफ़ी अच्छे हैं, मिर्चें विद स्टफ आलू लुक्स नाइस, मज़ेदार है। चिकन स्टिक भी है इनकी, तमाम आइटम हम इनके ट्राई करेंगे और उम्मीद है कि जब आप लोग आएँ तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इनके पास बैठने की जगह है लेकिन सेल्फ सर्विस है,
और सबसे अच्छी और यूनिक बात इनकी मैं बताऊँ, 180 रुपीज़ इनकी स्पेशल थाली की प्राइसिंग है। उसमें ये तमाम आइटम आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड रिफिलिंग, ये सुन लें आप लोग, अनलिमिटेड रिफिलिंग, जितने दाल और चावल इसके बाद आप डलवाएँ इसमें वो फ्री है। सो काफ़ी बहुत अच्छी ये इनकी चिकन स्टिक है। स्टिक को मैं थोड़ा सा ट्राई कर लूँ पहले रूखा ही, ये कैसा टेस्ट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा नो डाउट काफ़ी अच्छी थाली बनाई हुई है उन्होंने, प्रेजेंटेशन भी अच्छी दी हुई है। सो दिस इज़ द कबाब, ये काफ़ी थिन है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी भी है आउटसाइड से और इनसाइड से एज यूजुअल सॉफ्ट, इट्स आल्सो लुक्स नाइस। अब ये कबाब, पापड़ी और इनकी ये चिकन स्टिक, ये तमाम चीज़ें मैं एक साथ इनकी दाल को अच्छी तरह से ले के बाइट बनाऊँगा और बिस्मिल्लाह करके ट्राई करूँगा, देखते हैं कैसा है टेस्ट। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, 180 रुपीज़ प्राइसिंग है। हैदरी आप आएंगे डॉलमेन मॉल के बिल्कुल बैक साइड पे इनकी शॉप है। तो ये रहा मेरी थर्ड बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दाल इनका मेन सेलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से इनकी थाली का टेस्ट उठ रहा है। सैलड है, चिल्लोज़ हैं, कबाब है, चिकन स्टिक है, पापड़ी है, अचार है, रायता है, 180 रुपीज़ में और क्या चाहिए विद अनलिमिटेड रिफिलिंग। ज़रूर आएँ, ट्राई करें, लास्ट बाइट, उसके बाद मैं अपना फूड इन्जॉय करूँगा क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। आप लोग इन्जॉय करें वीडियो और लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अचार भी मैं आपका इनको दिखा दूँ कितना थिक है, और हैंडमेड अचार ये ख़ुद बनाते हैं, बाज़ार से नहीं लेते। सैलड भी ले लेते हैं कुछ, राइट दाल इनकी अच्छी से करके इस पर गिरा लें और बिस्मिल्लाह करके ट्राई करें। लास्ट बाइट मेरी इस थाली का, अनलिमिटेड रिफिलिंग, 180 रुपीज़, 52 फूड्स स्पेशल थाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिख रहा होगा आप लोगों को कितनी बड़ी है ये थाली। बाइट मेरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन, मज़ा आ गया। 52 फूड्स स्पेशल थाली। लंच में अगर आप लोगों को क्रेविंग्स होगी कुछ अलेक्सा स्ट्रीट फूड ट्राई करने की तो ज़रूर आए डॉलमेन मॉल के बिल्कुल बैक साइड पे, और डॉलमेन मॉल के साथ उनकी दो ब्रांचेस हैं, 180 रुपीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके इन्जॉय कर सकते हैं। बैठने की भी अच्छी लोकेशन है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम आजकल, बैक टू बैक एवरी वीक हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और कमेंट सेक्शन में नई लोकेशन ज़रूर बता दिया करें। जब तक अपना फूड इन्जॉय करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।